ये ये देखिए आज हम सीखेंगे बहुत ही सुंदर सा नीटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं लेडीज कार्डिगन में लेडीज जैकेट में जेंट्स हाफ स्वेटर फुल स्वेटर में बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं ये देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरह से दिखता है और बैक साइड से ये इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो स्टिचेस चाहिए होंगे वो ट्वेल्व के मल्टीपल से होंगे प्लस थ्री फंदे एक्स्ट्रा रखने होंगे एक फंदा साइड में डिजाइन को इक्वल करने के लिए और टू फंदे स्टिच के होंगे और ये जो डिजाइन है ये टोटल ट्वेंटी रॉ का डिज़ाइन है तो चलिए फ्रेंड बनाते हैं ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने ट्वेंटी सेवन फंदे लिए हैं ट्वेंटी फोर फंदे ट्वेल्व के मल्टीपल से लिए हैं प्लस थ्री फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं एक फंदा साइड में डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और टू फंदे स्टिच के होंगे और नीचे से बेस देने के लिए फोर रॉ उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली है आपने जब भी इस डिज़ाइन को स्टार्ट करना है तो आप जो भी बॉर्डर नीचे बनाना चाहें वो बना सकते हैं उसके बाद जब इसे स्टार्ट करेंगे तो इसे राइट साइड से स्टार्ट करेंगे ये देखिए ये इसकी फर्स्ट रॉ है और राइट साइड है तो देखिए स्टार्टिंग से स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे और फोर फंदे उल्टे बना लेंगे वन टू थ्री फोर धागा पीछे करेंगे अब आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे चारी डालेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर से धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से धागा आगे है जारी डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर धागा आगे करेंगे और थ्री फंदे उल्टे वन टू थ्री स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है ये देखिए ये हमारा ट्वेल्व फंदों का पैटर्न है ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व फंदे हमारे यहाँ तक हो गए हैं इसमें हमने पहले फोर फंदे उल्टे बनाए फिर दो फंदों का एक फंदा बनाया जारी डाली एक फंदा सीधा जारी डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया दो फंदे उल्टे बनाए फिर से फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे ये देखिए टोटल यहाँ पर हमारे पास सेंटर में सेवन फंदे उल्टे आएंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से जारी डालते हुए दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे लास्ट में फोर फंदे उल्टे बना लेंगे वन टू थ्री फोर एस्टिच भी उल्टा ही ये देखिए फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गई है सेकंड रॉ रौ है रॉन्ग साइड इस रॉ में जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं हर बार वैसे ही बुनेंगे तीन फंदे सॉरी फोर फंदे सीधे धागा आगे वन टू थ्री फोर फाइव फंदे उल्टे सेवन फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट में फोर फंदे सीधे ए स्टिच भी सीधा ही रो थर्ड राइट साइड अब देखिए ए स्टिच ऐसे ही उतार लेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे अब तीन फंदे उल्टे बनाएंगे वन टू थ्री धागा पीछे करेंगे एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक चारी वाला फंदा इसे भी सीधा ही बुनेंगे ये सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ हर बार जाली डालेंगे और जो साइड के जाली वाले फंदे होंगे उनको सीधा बुनते जाएंगे जब भी हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाने हैं तो ये सेंटर के फंदे के दोनों तरफ ही एक एक फंदा जाली वाला डालेंगे धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर ये वाला फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे दो फंदे उल्टे स्टार्टिंग कैश से छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे के साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक सीधा फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे एक फंदा सीधा टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे लास्ट में तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री एस्ट्रिच भी उल्टा ही ये देखिए रो थर्ड कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे रो फाइव राइट साइड एस्ट्रिच ऐसे ही उतारेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे उल्टे बना लेंगे धागा पीछे करेंगे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे वन टू ये सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ एक एक जाली डालेंगे धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे दो फंदे सीधे बना लेंगे वन टू सीधा फंदा है उतारेंगे टर्न करेंगे एक उल्टा एक सीधा फंदा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे स्टार्टिंग कैसे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे ये देखिए दो फंदे उल्टे धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा जारी डालेंगे दो फंदे सीधे वन टू टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक उल्टा फंदा ये देखिए लास्ट का फंदा भी उल्टा ही रॉ फिफ्थ कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे रॉ सेवन राइट साइड ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे जारी डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे स्टार्टिंग का ऐसे छोड़कर यहाँ से छोड़ यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा तीन फंदे सीधे वन टू थ्री जारी डालेंगे एक फंदा सीधा जारी डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री एक सीधा एक उल्टा फंदा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा उल्टा एसटिच भी उल्टा ही ये देखिए रॉ सेवन कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे नाइन्थ रॉ है राइट साइड एसटिच ऐसे ही उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फिर देखिए सेंटर में एक उल्टा फंदा है अब इसे हमने कैसे डिक्रीज करना है वो देखिए ये सीधा फंदा एक उल्टा फंदा इसको हम ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे ये देखिए उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे और सीधे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे और और एक ये वाला सीधा फंदा आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे ये देखिए ऐसे फिर से वन टू थ्री फोर फंदे सीधे धागा आगे चल डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे चल डालेंगे फोर फंदे सीधे तीन चार एक सीधा एक उल्टा फंदा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ऐसे सीधा ये देखिए नॉन्न नाइन कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सारी उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए टेंथ रो कंप्लीट हो गई है और हमारा हाफ पैटर्न कंप्लीट हो गया है अब देखिए यही टेन रो ऊपर हम फिर से रिपीट करेंगे लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी ये वाला लीफ अब यहाँ पर सेंटर में आएगा और साइड में हम हाफ लीफ बनाएंगे तो देखिए कैसे करेंगे रो इलेवन राइट साइड रिच ऐसे ही उतारेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे यहाँ पर हमारा हाफ लीफ बनेगा धागा आगे करेंगे जाली डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे धागा आगे करेंगे यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे सेवन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे जारी डालेंगे ये सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ एक एक जारी डालेंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा उतारेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए स्टार्टिंग के फोर फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे सेवन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन धागा पीछे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करके जारी डालेंगे एक फंदा सीधा स्टिच भी सीधा ही ये देखिए रॉ इलेवन कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बना लेंगे रॉ थर्टीन राइट साइड स्टिच, ऐसे ही उतार लेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करके जाली डालेंगे एक फंदा जाली वाला था इसे सीधा बुन लेंगे एक सीधा फंदा एक उल्टा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे धागा आगे फाइव फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ एक एक जारी डालेंगे एक फंदा सीधा जारी डालेंगे एक फंदा सीधा एक सीधा एक उल्टा फंदा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे ये देखिए स्टार्टिंग के फाइव फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे फाइव फंदे उल्टे टू थ्री फोर फाइव धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा धागा आगे करके जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे ए स्टिच भी सीधा ही रॉ थर्टीन कम्पलीट हो गई है रोंग साइड सेम ही बुनेंगे रॉ फिफ्टीन राइट साइड ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे एक फंदा सीधा बना लेंगे धागा आगे करके जारी डालेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे वन टू एक सीधा एक उल्टा फंदा टर्न करेंगे बैक लुप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे तीन फंदे उल्टे धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे धागा आगे करेंगे दोनों तरफ एक एक जारी डालेंगे फिर से धागा आगे जारी डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे एक सीधा एक उल्टा फंदा टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे स्टार्टिंग के सिक्स फंदे छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है फिर से रिपीट करेंगे धागा आगे तीन फंदे उल्टे वन टू थ्री धागा पीछे एक उल्टा एक सीधा फंदा आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे सीधे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा एस्ट इज सीधा ये देखिए हमारी फिफ्टीन रॉ कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे रॉ सेवनटीन राइट साइड एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करके जारी डालेंगे अब तीन फंदे सीधे बना लेंगे वन टू थ्री एक सीधा एक उल्टा फंदा टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक सीधा एक उल्टा फंदा दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री धागा आगे करेंगे दोनों तरफ एक एक चारी डालेंगे धागा आगे चारी डालेंगे तीन फंदे सीधे वन टू थ्री सीधा एक उल्टा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे एक फंदा उल्टा एक सीधा एक उल्टा आगे एक साइड से दो फंदों का एक फंदा तीन फंदे सीधे धागा आगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा एस्ट्रिच भी सीधा ही रो सेवनटीन कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड सेम ही बुनेंगे रो नाइनटीन राइट साइड एस्ट्रिच ऐसे ही उतार लेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे फोर फंदे सीधे टू थ्री फोर अब देखिए ये सेंटर में एक उल्टा फंदा है और साइड में एक एक सीधा फंदा तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे पहले बैक लूप से उल्टा फंदा आगे लेकर आएंगे और सीधे फंदे को पीछे लेकर जाएंगे अब आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे फिर से फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर जारी डालेंगे एक फंदा सीधा फिर जारी डालेंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर फिर सीधा एक उल्टा फंदा सेंटर में इनका फिर से तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ट्विस्ट कर लेंगे दो फंदों को और आगे की साइड से तीन फंदों का एक फंदा बना देंगे फोर फंदे सीधे वन टू थ्री फोर जारी डालेंगे एक फंदा सीधा स्टिच भी सीधा ही रो नाइनटीन कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिए ये देखिए रो ट्वेंटी कंप्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रो से स्टार्ट करेंगे एक बार आप इसकी फर्स्ट रो देख लीजिए कैसे करेंगे ए स्टिच ऐसे ही उतारेंगे स्टार्टिंग के फोर फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर धागा पीछे करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे देखिए ये सेंटर का फंदा है धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे एक फंदा सीधा धागा आगे करेंगे जारी डालेंगे टर्न करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे धागा आगे सेवन फंदे उल्टे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन धागा पीछे फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जारी डालेंगे एक फंदा सीधा ये देखिए ये वाला जो सेंटर का फंदा है इसके दोनों तरफ एक एक जारी डलेगी धागा आगे करेंगे चारी डालेंगे और बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे धागा आगे लास्ट के फोर फंदे उल्टे टू थ्री फोर एस्टिच भी उल्टा ही ये देखिए फिर से हमारा पैटर्न फर्स्ट रॉ से स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही बार बार इसकी वन टू ट्वेंटी रॉ रिपीट करते जाएंगे और ये पैटर्न बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये देखिए फ्रेंड तो फ्रेंड आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉच माई वीडियो